नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। अजीत पवार गुट की एनसीपी ने धनंजय मुंडे को बड़ी ही अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वो अभी वर्तमान में राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं पार्टी ने राजेश विटेकर को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। एनसीपी के प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को एनसीपी के मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता और विधान परिषद के नवनिर्वाचित विधायक राजेश विटेकर को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे लिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के युवा चेहरे अलग अलग मंचों पर पार्टी की आवाज को बुलंद करेंगे। दोनों को बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आपको यहां ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी की महागठबंधन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में महायुति को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिल सकी। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनसीपी इसमें से केवल एक ही सीट जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई। वहीं इसके सहयोगी बीजेपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को 30 सीटों पर कामयाबी मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार को भले ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिला हो या फिर सफलता नहीं मिली हो, लेकिन विधान परिषद चुनाव में उन्होंने उस असफलता को धो डाला। विधान परिषद चुनाव में राजेश विटेकर और शिवाजी राव गर्जे नामक दो उम्मीदवार चुने गए हैं। राज्य में अब सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं और सभी अपने अपने दावों और वादों के साथ वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी साल के अंत तक प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कराए जाने हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बाजी मारती हुई नजर आती है। क्या महाराष्ट्र में सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार दोबारा से वापसी करती हुई नजर आएगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।